तो आज अपने पास ना ये रॉयल इनफील्ड का एक बॉक्स है जिसका MRP है 7,700 रुपये। इसके अंदर इस टाइप की ब्लॉकेट है। वीडियो बनाने का जो मेन मकसद है वो है ये कि इसके अंदर जो ब्लॉकेट निकलती है उसका जो पिस्टन होता है, पिस्टन के अंदर जो रिंग लगते हैं इस टाइप के, उनका पोजीशन किस तरीके से रहती है नए पिस्टन के अंदर, दिखाओ एक बार। और जो पिस्टन की फिटिंग आती है वो किस तरीके से आती है। मतलब इसकी पैकिंग तो काफ़ी बढ़िया है, सेफ्टी के साथ बिल्कुल। इसको रखते हैं यहाँ साइड और इसको रखो इसके ऊपर। हाँ, सबसे पहले एक बार यहाँ से देखो पिस्टन इस तरीके से फिट होता है, मतलब बिल्कुल जिस तरीके से लगना चाहिए। यहाँ से तो सेम वैसे ही दिख रहा है कि पिस्टन इस तरीके से होना चाहिए। एक बार घुमाओ तो यहाँ से भी आपको दिखेगा इस तरीके से, पर इसके अंदर हल्का सा ट्विस्ट है। बाहर निकालो, रख के नीचे, बस अब नीचे रखो, निकालो बाहर को। अब सबसे पहले देखो इसी कंडीशन में मैं आपको इसके रिंग दिखाता हूँ। एक ये रहा, एक ये, और ये है वो चीज़। देखो कभी भी रिंग आसपास नहीं होने चाहिए जैसा इसके अंदर है। रिंग किस तरीके से रखे जाते हैं उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है पूरा। और पिस्टन किस जगह पर सीधा होता है, मतलब आगे का हिस्सा कौन सा होता है और पीछे का, आगे और पीछे, इसके ऊपर भी एक वीडियो है। फिलहाल जब कंपनी से फिट आते हैं तो रिंग आपने चेक करने हैं, वो कई बार बिल्कुल इस जगह पे भी रहते हैं, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। अब इसको फिट करते हैं और फिट करने का वीडियो बनाते हैं आपके लिए कि एक्चुअल में इसकी रियल फिटिंग कहाँ पर होनी चाहिए।